लौंग यानी कि क्लो के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि ये एक स्पाइस यानी कि मसाले का पदार्थ है जो कि खाना बनाते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं इसके औषधि गुणों के बारे में। नमस्ते विवश, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। अब हमने कुछ शहरों में हमारी ब्रांचेस स्टार्ट किए हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, नासिक और बेंगलुरु। अगर आपको कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करना है तो आप हमें 9820636400 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं लौंग में कौन कौन से विटामिन्स मिनरल्स होते हैं उनके बारे में। लौंग में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और उसी के साथ साथ लौंग में विटामिन सी, फाइबर, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। लौंग जो होती है वो लौंग के पेड़ के फूलों से सूखा कर बनाई जाती है। आपने सुना ही होगा कि गर्भवती महिलाओं को जब उल्टी होने लगती है तब उन्हें लौंग चबाने की सलाह दी जाती है, जिससे उनकी उल्टियाँ रुक जाती है और आमाशय की रस क्रिया सही होकर भूख भी बढ़ जाती है। लौंग पेट की कीड़ों का भी नाश करती है और शरीर की दुर्गंधी को खत्म करने में भी मदद करती है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण ये बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। तो चलिए लौंग के पूरे शरीर में होने वाले फायदों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले लौंग इम्यूनिटी को बढ़ाती है। लौंग में जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो खून में WBC बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, और जो WBC होते हैं वो हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम होती है जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। फिर दूसरा, लौंग पाचन शक्ति को सुधारता है यानी कि इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। एक तो लौंग में भरपूर मात्रा में फाइबर होने के कारण कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और साथ में लौंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्रोत शरीर में बढ़ाती है, उससे पाचन से रिलेटेड तकलीफें भी दूर हो जाती है। फिर तीसरा है सर्दी, जुखाम और खांसी। सर्दी खांसी में लौंग बहुत फायदेमंद साबित होती है। लौंग चबाने से गले में खराश में राहत मिलती है। अगर बच्चों को खांसी हो जाए तो 1 चम्मच घी में लौंग पकाकर वो घी बच्चों को अगर दिया जाए तो उससे खांसी में बहुत राहत मिलती है। फिर चौथा है लौंग डिटॉक्स द बॉडी। लौंग में जो यूजिनॉल होता है उससे लीवर फंक्शन को बेहतर बनाती है और किडनी के फंक्शन को भी सुधारती है, जिससे बॉडी को डिटॉक्स होने में आसानी होती है। फिर पांचवा है सिर दर्द। लौंग के तेल में जो यूजिनॉल होता है वो दर्द को और सूजन को कम करने में मदद करता है, इसलिए अगर सिर दर्द हो और थोड़ा सा लौंग का तेल सिर पर लगाया जाए तो उससे सिर दर्द में राहत मिलती है। फिर छठा है अस्थमा। लौंग एक एंटी अस्थमेटिक ड्रग किस तरह काम कर सकता है। लौंग में जो यूजिनॉल होता है वो बहुत ही असरदार होता है अस्थमा के पेशेंट के लिए। यूजिनॉल ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है, जिससे अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में मदद मिलती है। फिर सातवा है हड्डियों के लिए लौंग। लौंग में जो मैंगनीज होता है वो हड्डियों को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हड्डियों की बीमारी में लड़ने में मदद करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो डेंटल रिलेटेड चैनल है और मैं ये सब क्या बता रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ना केवल दांतों और मसूड़ों के लिए पर बाकी बीमारियों और ओवरऑल वेलबींग के लिए लौंग कैसे उपयोगी है उसके बारे में भी आपको परिचित कराऊँ। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जब कभी आपके दांत में दर्द हो और आप तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तब आप एक लौंग डायरेक्टली दर्द वाले दांत पर चबा कर रख सकते हो, या फिर आप लौंग का तेल कॉटन पर लेकर वो कॉटन उस दर्द वाले दांत में लगा सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया, लौंग में जो यूजिनॉल होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक होता है, यानी कि यूजिनॉल दर्द और सूजन में राहत देता है। एक तो इस तरह आप लौंग का यूज कर सकते हो, या फिर लौंग का इस्तेमाल आप ऑलिव ऑयल के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि कुछ लौंग को पीसकर उसके पाउडर में ऑलिव ऑयल मिलाकर उसे दर्द वाले दांत पर लगाने से भी आपको दर्द में राहत मिलेगी। पर याद रखिए, लौंग से दांत की सड़न खत्म नहीं होती, घरेलू उपचारों से बस टेम्पररी दर्द कम होता है। इसलिए दांत की सड़न निकाल कर दांत को बचाने के लिए आपको जल्द से जल्द आपके डेंटिस्ट को मिलना चाहिए। तो ये था सड़न की वजह से जब दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है तब।
अब देखते हैं जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस, जो कि मसूड़ों की बीमारियां होती है, उनके लिए। लौंग का तेल मसूड़ों पर लगाना है उंगली से और मसूड़ों को मसाज करनी है, जिससे जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस में होने वाली मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों में दर्द से राहत मिले। लौंग के तेल के साथ अगर आप ऑलिव ऑयल मिक्स करते हो और गम्स पर मसाज करते हो, और उससे और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था मसूड़ों की बीमारियों में। अब देखते हैं बैड ब्रेथ के लिए, यानी कि सांसों की दुर्गंधी में। आपको लौंग 10 से 20 मिनट के लिए चबानी है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। या फिर आप एक कप पानी में 2-3 लौंग उबाल कर वो पानी को ठंडा करके उससे दिन में 2 या 3 बार कुल्ला कर सकते हो, जिससे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम कम करने में आसानी होगी। ये तो हो गए दांत और मसूड़ों में दर्द और बैड ब्रेथ के लिए घरेलू नुस्खों में लौंग के फायदे। अब हम जानते हैं डेंटल क्लिनिक में लौंग के उपयोग के बारे में। हम डेंटिस्ट जब आपकी डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं, तब कुछ ट्रीटमेंट्स में लौंग की ट्यूजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कभी कभी आपको डेंटल ट्रीटमेंट के बाद लौंग की मुंह में टेस्ट आती है। तो ये हो गए लौंग के फायदों के बारे में। अब जानते हैं लौंग के साइड इफेक्ट के बारे में। कोई भी चीज अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो उससे नुकसान ही होता है, ये सब तो हम जानते ही है। उसी तरह लौंग अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खाई जाए तो उससे भी नुकसान हो सकता है। उसमें सबसे पहला नुकसान है अत्यधिक रक्तस्राव, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग। लौंग का यूजिनॉल ब्लड का क्लॉट बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ये ब्लड क्लॉट न बनने की वजह से खून बहना नहीं रुक पाता और अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है। फिर दूसरा नुकसान है ब्लड शुगर लेवल में गिरावट। डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए लौंग बहुत ही प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि ये हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। पर अधिक मात्रा में लौंग का सेवन करने से ये ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, और हम जानते ही है कि इसी शुगर यानी कि ग्लूकोज से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। इसीलिए जो लोग रोजाना लौंग का सेवन करते हैं, उनको बहुत बार कोई सर्जरी से पहले, डॉक्टर सर्जरी के 2 हफ्ते पहले और सर्जरी के 2 हफ्ते बाद तक लौंग खाने के लिए मना करते हैं। लौंग के इन साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए और लौंग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।